लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एल्डर युगॉन टैंगशन के हाथों मारा गया था। उसके बाद बीबी डोंग ने टियांडो आर्मी के स्पिरिट मास्टर पर नजर रखने के लिए कहा था। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में क्वेनरिंगसू का आर्ट एग्जाम का सेकंड पार्ट को दिखाते हैं, जहां पर हम देखते हैं क्वेनरिंगसू अपनी प्रिंस वाली फ्रॉम होती है। उसके बाद वो एक पसंद को बिना वजह ही मारने की कोशिश करती है। तभी वहां पर वर्जिनल क्वेनरिंगसू आ जाती है और कहती है, तुम बिना वजह लोगों को मारते हो और तुम यहाँ पर नकली राजू कुमार बनकर रह रहे हो। इसके बाद तुमने इस फैमिली को नुकसान पहुँचाया और इनके लोगों को मार दिया, इसीलिए शायद एंजल गौर चाहती है कि मैं इस बात का न्याय करूँ। तभी क्वेनरिंगसू का प्रिंस फ्रॉम कहता है, तुम यह मत बोलो कि मैं भी तुम ही हूँ और मैं जो कुछ भी किया सब कुछ तुम्हारी वजह से ही किया है, इसलिए तुम्हें मुझे जज करने की कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद तुम एंजल गॉड को रिप्रेजेंट करने के लायक भी नहीं हो। इस पर क्वेनरिंगसू अपनी एंजल स्वॉर्ड निकालते हैं और कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, अगर मैं इस बात का सही से न्याय नहीं कर सकती हूँ तो मैं एंजल गॉड बनने के लायक नहीं हूँ। और हाँ, मैंने जो भी गलतियाँ की है वो मेरी आशाओं की वजह से हुई थी। अब मैं एंजल गॉड का सक्सेसर हूँ, इसलिए अब मेरी लाइफ का एक रिस्पांसिबिलिटी है, अब मेरी कोई भी आशा ना हो। इसके बाद क्वेनरिंगसू कहते हैं, आज मैं यह सब कुछ दबा कर दूंगी। इस पर क्वेनरिंगसू का प्रिंस फ्रॉम कहता है, अगर तुम मुझे मारेगा तो तुम भी मर जाओगी। लेकिन क्वेनरिंगसू बिना रुके ही अपनी प्रिंस फ्रॉम को मार देते हैं। उसके बाद हम देखती है उसके एंजल स्वॉर्ड सीधा उसी को ही लगा हुआ है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के एंजल गॉड टेंपल पर आ जाता है, जहां पर एंजल प्रीस्ट बताते हैं, तूने किसी का साइड नहीं लिया और सही को चुना, इसलिए तुम अपनी आर्ट एग्जाम का सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि क्वेनरिंगसू का प्रिंस फ्रॉम वहां पर आ जाता है और कहता है, अगर तुम लोगों को पावर के लिए नहीं मारते हो तो तुम्हारे दिल में इतना ज्यादा जलसी क्यों है। इसके बाद हमारे सीन शिफ्ट होकर के टियांडो आर्मी पर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि टियांडो आर्मी के फूड सप्लाई भी वहां पर पहुंच गए हैं। इसके बाद श्रेक डेविल्स भी वापस आ गए होते हैं। तभी ओल्ड वर्ल्ड की ग्रैंड डॉटर आती है और कहती है, हमने चारों तरफ देख लिया है, अब हमें कोई भी एनिमी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन तभी मोटू उसे देखता है और उसे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। इस पर टैंगशन कहता है, वो सारे के सारे हुआन एम्पायर के इलाइट ट्रूप्स थे, इसलिए जंग को देखते हुए मुझे नहीं लगता बीबी डोंग किसी भी ट्रूप्स को यहाँ पर भेजेगी, फिर भी हमारे एजिलिटी डिसेबल नजर रखेंगे। इस पर मोटू ओल्ड बर्ड की ग्रैंड डॉटर को चेड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस पर वो उसे दूर फेंकते हुए कहते हैं, तुम मुझे परेशान मत करो, मैं बिजी हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसे देखकर ऑस्कर हंसने लगता है। तभी डाई मुबई कहता है, हमने जो भी किया वो हुहन एम्पायर के लिए बहुत बड़ी बात थी, इसलिए शायद अब आगे केवल जंग ही होगी। इसके बाद वो कहता है, हमें नहीं पता है कि टांग सेट का सीक्रेट वेपन हुहन एम्पायर आर्मी को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं। इस पर टैंगशन कहता है, हुहन एम्पायर के पास कई सारे स्पिरिट मास्टर है, इसलिए बीबी डोंग उनका इस्तेमाल करके हमारे स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करेगी, इसलिए अगर हम उसकी फोर्सेस से जीत नहीं पाते हैं तो हुहन एम्पायर फिर से जेलिंग पास वापस चला जाएगा। इसके बाद हमारी सेना का कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाएगा। तभी वहां पर मार्शल जिलांग टाइगर पर बैठकर आ जाते हैं। उसके बाद वो टैंगशन को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं, मैंने सुना आपने जो कुछ भी किया, इसलिए हम लोग लकी है कि आप पहले से ही प्रिपेयर थे, इसलिए हम लोगों की फूड सप्लाई की बाकी चीजें भी यहाँ पर सही सलामत पहुँच गए हैं। इसके बाद वो बताते हैं, एम्परर ने हमें आदेश दिया है कि कल से जंग शुरू हो जाएगी। इस पर टैंगशन कहता है, फूड सप्लाई को प्रोटेक्ट करना हमारा काम था और वही बीबी डोंग बहुत ही चालाक है, इसलिए हम लोग अभी भी चौंकाने हैं। इसके बाद मार्शल जिलांग इन लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, जल्द ही जंग स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आप लोगों को आराम करना चाहिए और बाकी की चीजें मैं देख लूंगा। इस पर मोटू गुस्से से आगे बढ़ता है, लेकिन टैंगशन उसे रोकता है और कहता है, मार्शल जिलांग अब सब कुछ आपके ऊपर है। इसके बाद यह लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम मार्शल जिलांग को देखते हैं। उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि वो टैंगशन से ज्यादा कुछ नहीं है। वही रास्ते में मोटू कहता है, हमने उन सारी चीजों को गार्ड किया था, लेकिन मार्शल जिलांग आकर के हम लोगों का सारे क्रेडिट ले गए गुस्से से। इस पर डाय मुबाई बताता है, यह सारी चीजें पावर और पोजीशन के लिए है। इस पर टैंगशन कहता है, जब जंग शुरू हो जाएगी तब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पावर पर है कौन पोजीशन पर है। जिसके बाद वो मोटू से पूछता है, तुम पावर और नाम पाना चाहते हो तो
मैं तुम्हें टांग सेक्ट का 9th एग्जाम दे सकता हूँ, जिसमें अगर तुम पास हो जाते हो तो पूरा का पूरा टांग सेक्ट तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद मैं भी तुम्हारे अंडर काम करूँगा। इस पर मोटू कहता है, नहीं नहीं, यह पावर तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।